देखो गाइस फिर से रोने लगे, जैसे मैंने कैमरा ऑफ किया फिर से रोने लगे। तो रोए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी बताते हैं क्या रीजन है। एक में छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसे थोड़ा चला जाऊंगा। शादी किया है वो भी लव मैरिज, तो एक माँ बाप भाई बहन यानी सारे का प्यार मैं ही तो दे सकता हूँ, और कौन दे। तो गाइस अभी गोलू भी आ गया है रेडी होके जीतन के घर शादी में जाने के लिए। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं अभी जीतन के घर शादी में। हेलो फ्रेंड, मैं काजल, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल कपल लाइफ ब्लॉग में। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं कमेंट में जरूर बताना। और हम लोग अभी सही है, ठीक ठाक है हमारा तबीयत भी। और मानसी को हम दिखा रहे हैं बाहर में, अभी हम बैठे थे तो मानसी देखो क्या करे, नीचे में लकड़ी पड़ा है उसी को बैठ के ठुक 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 कर रही है ना बिट्टू। क्या हो रहा है क्या हो रहा है? हाँ वो पत्ता में खोद रही है ना, तो बाज रहा है खट खट करके, सूख गया है पता, तो वही बजा रही है। हमारा बिंदी भी निकल गया। तो गाइस देखा मैंने मुहा का पर रो रही बापरे 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 कुतुल रो रही है। देख इधर देख, देखे मुहा, अच्छा इधर घुमा। गाइस रोए जा रही है, क्या करे अभी बताते हैं क्या रीजन है। तो एक्चुअली क्या है ना कि हम वीडियो में प्रैंक नहीं किया था, मैंने ऐसे ही टेस्ट किया था कि मैं जा रहा हूँ छोड़ के। हम बाजार में गया था आधार कार्ड निकलवाने। फोन की मेरे पास कि कहाँ है, मैंने बोला बहुत दूर जा रहा हूँ। अब आया तो रो रही है, देखो दिखाओ मुहा। मतलब ऐसे ही टेस्ट लिया बस कि देखते हैं क्या करती है। बातें बात पे झगड़ा किए छोटा सा, और इधर देखो तो मैंने बस मजाक किया कि अभी मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोग रहना 10 दिन मेरे बिना रह जाओ फिर मैं मान जाऊंगा, ठीक है। ऐसे मजाक मजाक में मैं चला गया मार्केट में आधार कार्ड अपना निकलवाने। और फोन की तो मैंने बोला कि मैं बहुत दूर जा रहा हूँ एकदम, मतलब कि सीरियसली मैं बोला था, जैसे कि हंस के नहीं। अभी ये क्या हुआ कि आया तो देख रहा हूँ पकड़ कर रोने लगी, चिल्ला चिल्ला के पुतू देखो देखो देखो। तो अभी मेरे को जाना है ना, 2 न्योता आया है, कार्ड आया है शादी का इनविटेशन, तो उसमें यहाँ पे एक मतलब कि हमारे यहाँ ना न्योता होता है कार्ड, जैसे आता है किसी की शादी का इनविटेशन तो उसको पैसे से या फिर और भी चीजें से उसको हम न्योता करते हैं, तो वही चीज करना है। 3 आया है जो कि एक अभी 7 तारीख को है, वो तो गांव का ही है, दोस्त का भाई का शादी है तो वो गांव का ही है, बाकी 2 अलग अलग जगह का है, एक है जीतन के घर का तो, और एक है यहीं पे नहर पे ही हमारे घर के बगल में ही, तो वहाँ तो वो तो 7 तारीख को बारात है शादी है तो उस दिन करेंगे, बाकी 2 आज है वो 2 करना है तो जाना पड़ेगा, किसी ने अगर इन्वाइट किया है तो जाना चाहिए। ज्यादा देर के लिए नहीं जाऊंगा, 1-2 घंटे में चला आऊंगा, अभी शाम हो रहा है करीब 5 बज रहा है, जाएंगे। अरे काय रोत लो, गुतुल रो रही थी खूब। मेरे को ना हथियारी बोलते हैं, शौक लग गया था एकदम से कि मैंने गलती किया, मैंने जान ऐसा नहीं करना चाहिए था एक्चुअली, तो चलिए कोई बात नहीं, ये भी एक तरह से देखे तो प्रैंक ही है, बाकी आप लोगों को भी एकदम से दिखा होगा रोते थे। तो अभी चलेंगे जीतन के घर, उसके घर शादी है तो न्योता वोता करके फिर आएंगे, जीतन को भी दिखाएंगे आपको। तो चलिए चलते हैं, उससे पहले थोड़ा बहुत अभी क्रीम उरीम लगा ली हम। डब फेयर लव लगा दो। ना ये चाहती है ना कि मैं काला ओला बन के जा, काला करलूठ बन के जाऊं ताकि कोई मेरे पे मतलब नजर ना लगे, है ना। बापरे बापरे। तो आई एम सॉरी, मेरे वजह से आप लोगों को काजल को रोते हुए देखे थे, तो आप लोग भी बोलेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, तो उसके लिए सॉरी, बस मैं देख रहा था पति पत्नी में प्यार कितना है। नो जोकिंग, ठीक है आप लोग दिल पे मत लेना, बस एक मजाक के तौर पर मैंने किया था, बट सीरियसली बदल गया तो मैं क्या करूँ, है ना। तू ये मत कर यहाँ से, रो ना कर, मासू ना निकली। तो चलिए अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। तो गाइस फिर से रोने लगी, देखो जैसे मैंने कैमरा ऑफ किया फिर से रोने लगी।
काहे रोत रुक जाल थोड़ा सा मजाक कर दे भाई हमरा तो हथियारी मार दलो हन तक वो कैमरा कर रहा हूँ तो चुप रह जा रही है शर्म से ठीक है नहीं तो रोने लग रही है इसलिए मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ कंटिन्यू नहीं तो फिर रोए ना रो ना रो ना जान छोड़ के हम कब ये सोच रहे कि मैं छोड़ के चला जाऊँगा ऐसे थोड़ा चला जाऊँगा शादी किया है वो भी लव मैरिज तो एक माँ बाप भाई बहन यानी सारे का प्यार मैं ही तो दे सकता हूँ और कौन दे और दूसरी बात ये कि अगर इतना जिम्मेदारी है मेरे पास तो मैं कैसे कोई पागल इंसान होगा छोड़ के जाएगा क्यों जाएगा इतना जिम्मेदारी के साथ आपको अपनाया है तो फिर कैसे जाऊँगा छोड़ वो तो झगड़ा रगड़ा छोटा मोटा होता रहता है और रहा ये थोड़ा सा छोटा सा मजाक तो मेरा मजाक मेरे ख्याल से बहुत घटिया गया उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए ठीक है बाकी हमने तक ना तो कि मरम कहा नहीं तक हाँ बस सब रहा था ठीक बात तो खैर कोई ज़्यादा वो नहीं है यार इतना नहीं रोना चाहिए दरअसल सोचा ही चाहिए कि कितना अच्छा पाती मिल रहा तो तक पापरी बापरी मोदक मोद नहीं छोड़ के जाऊँगा ओके प्रॉमिस वीडियो बनाती नहीं तक ला तो भाई देखो मोहम्मद गाइस मानसी सो रही थी देखो काजल के रोने से ये भी उठ गई उठते उठते मैंने एक टॉफी दिया तो खाने लगी देखो मेरे ख्याल से भी नींद में अरे 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 मार रही है मेरे को मार रही है मानसी मेरे को मार रही है हाँ बचाओ मेरे को बचाओ मदद करो मेरी गाइस अभी कुतुल जा रही है घर का काम करने मैंने सारी चीज़ें बता दिया कैसे कैसे काम करना है कैसे कैसे बर्तन धोना है कैसे कैसे खाना बनाना है तो जाओ आप लोग खाना बनाओ मैं 2 घंटे में आ जाऊँगा हाँ ओके तो अभी शाम हो गया है देखो हमारे यहाँ का मौसम देखो कितना प्यारा लग रहा है इस टाइम काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि शाम होने पे ही अच्छा लगता है बाकी धूप जब रहता है ना भाई साहब क्या बताएं लाइट भी इतना कट रहा है धूप में जितना ज़्यादा गर्मी हो रहा ना उतना ज़्यादा लाइट कटे जा रहा है बताओ भाई गर्मी में ही लाइट ना मिले तो फिर फायदा क्या है लोग मेरा ड्रेस बताना कैसा लग रहा है पीला टी शर्ट और जीन्स और काजल को देख रहे हो कैसे निहार रही है झांक रही है एक बार धो ले दे लवंदा पहन ले वाला हां तके धोई हम धोई काफी अच्छा लग रहा ना तो गाइस अभी गोलू भी आ गया है रेडी होके जीतन के घर शादी में जाने के लिए जीतन भी आ रहा है गाइस अभी नीला कलर का चश्मा पहन ले हूं और कुतुल के गुड बाय नहीं बाय के ले रुका हूं बोलो बाय हां कहां तो जल्दी आए हम ठीक बजाते नहीं अपने मुझे सब कहे नहीं हम मेरे साथ जा रहा है अमरजीत और गोलू और जीतन जा रहा है राहुल के साथ एक सूटकेस लिया है नेवता चकारी करने के लिए चश्मा लगा लो हम कैसे लाते नहीं तो गाइस नीला कलर चश्मा लगा रहा हम फुर से उड़ते हैं यहाँ से है ना ठीक बा लाइट जला लो बहरी के तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं अभी जीतन के घर शादी में हेलो बोलो जीतन हाँ तो चलिए अभी चलते हैं अंदर तो गाइस अभी हम लोग खाना खाने के लिए रेडी हैं अभी यहाँ पे कुर्सी पकड़े खड़े हैं जीतन देखो कैसे गेस्ट बन के खड़ा है वहाँ पे जीतन के यहाँ से आके अभी दूसरी जगह आए हैं जो कि एक बुलेट था दोस्त उसी के मामा के घर आए हैं यहाँ से भी फट गया था तो इसलिए यहाँ से यहाँ पे भी आए हैं तो अभी फोटो वगैरह शूट कर रहा है अमरजीत कैमरा भी लाया खींच लो अमरजीत फोटो सो है गाइस गुड मॉर्निंग और ये है नेक्स्ट डे एंड अभी करीब 7:30 बज रहे हैं 7 बज रहा है हमारे यहाँ धूप निकल गया है और अभी मैं सो के जस्ट उठा था क्योंकि रात को गया था बारात में और देखो अभी काजल झाड़ू लगा रही है बाहर और मैं बाल्टी में पानी लाया हूँ पानी मारने के लिए क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रहा है सुबह से चिल्ला रहे हैं कि उठे ना पानी ले जाओ तो रात को 11 बजे आया था ना इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया तो अभी चलिए पानी वानी मार देते हैं फिर झाड़ू मारती है काजल तो फ्रेंड अभी मम्मी पापा देखो पानी मार रहे हैं हाँ बेटा हमारे से हाँ। मेरे को तो सारा मार लेते हैं सीमेंट हमारा 3 बोरा खराब हो चुका है और 2 कठरा भी और 1 कठरा तो इधर रखे हैं और 3 बोरा उधर अभी ढकिए के रखे हैं तो इधर से मेरा घर भस रहा है ना जो उस साइड से मतलब दरवाजा नहीं लगता है तो उधर से अभी बनाएंगे और गेट रोड को बनाएंगे अच्छे से ये ना मेरा खटिया का दशा देखो हाल इस पे जो भी बैठता है जमीन में टच कर जाता है ना तो 4 दिन तबीयत खराब हो गया हाँ। तो सारे
इसको जल्दी से सही कराएंगे। काजल को खटिया का बुनना आता है ना, तो रसरी ले आ जाऊं तो बुन देबो। ऐसे ही रस्सी ला दूंगा तो कह रही एक आदमी और, तो एक मैं हो जाऊंगा। फूल बना बोल ऊ तो हेची को लैको बिंदी। और गाइस क्या है ना, वहाँ पे देखो हमारा सीमेंट खराब हो गया, तो हम डाल दिए। अभी उसको कुछ देर में शाम को अभी पानी मार देंगे, शाम को उसको अच्छे से बना देंगे। और देखो चार दिन से हमने पैसे जमा कर दिया है उसका माल मटेरियल को, बिल्डिंग मटेरियल वाले को, और अभी तक कोई सामान गिरा ही नहीं है। आज जाता हूँ अभी सुबह सुबह और खूब हैंग आ के ना कचल। बोलूँगा ना भाई कि ये क्या मतलब है, उसी दिन बोल रहे थे भेजने के लिए, अभी तक नहीं भेजे। और देखो झाड़ू हमारा लगने ही वाला, उधर 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 एकदम कोने में मार दिया, वो गढ़ा में जाकर गिर जाए। ठीक है चले आइए, देखते हैं मानसी क्या कर रही है। हमारा नहीं, ये एमसी भी उल्टा लगा हुआ है। मानसी बेटा क्या हो गया, आंख में कोई काट लिया? ओ ले 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 ले, ले कुछ नहीं बेटा। ये देखो कितना चींटी वगैरह, और ये बेचारी काजल देखो कैसे झाड़ू मार मार रही है चींटी को। इसमें चींटी और सुगा है ना, वो भी उड़ने वाला चींटी, पता है सुगा भी उड़ने वाला, पता ना कहाँ से आ जाना। ये देखो पूरा भरा पड़ा है ना, मानसी को भी काट लेती है बेचारी, मानसी रोने लगती है, पूरा भरा पड़ा। झाड़ू लगाओ जल्दी से। तो उसका उपाय बताना जिससे ये चींटी वगैरह थोड़ा ना आए। ठीक है आपको कमेंट होगा, पूरा पैर पे चढ़ जा रही है। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग इतने लोग देखते हैं, मैं देखता हूँ 70% लोग देखते हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए, तो लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है वो दबाने में क्या आ जा रहा है आपको, बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, उससे हमें भी खुशी मिलेगी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छा होगा। अभी हम सुबह सुबह खाना बना लिए आधा, और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, हम भी खुश हैं आप भी खुश रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।